सारा ये काफिला जो है ये जा रहा है जी पीर हक खतीब के आस्ताने की तरफ। और मेरे कैमरामैन नदीम आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि कितने ही यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मोटरसाइकिल वाले हैं और कितनी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं। नाज़रीन इतनी बड़ी तादाद है, आप मेरे रकम में देख सकते हैं पीछे गाड़ियों का काफिला ही काफिला है। और ये आगे जो है इकरारुल हसन की जो है वो गाड़ी मौजूद है। इस वक्त जो है कलर सैयदा के बिल्कुल पास हैं, करीब हैं। और ये वो लोग हैं जो कि जान चुके हैं कि हक खतीब एक झूठ, एक फ्रॉड, एक बेईमान इंसान है। आप देख लेंगे इस वक्त इकरारुल हसन की ये गाड़ी जो है, इकरारुल हसन की गाड़ी अभी हमारी बिल्कुल गाड़ी उसके पास मौजूद है। और आप देख सकते हैं ये देख ले, ये इकरारुल हसन की गाड़ी है और इस गाड़ी में इकरारुल हसन बैठे हुए हैं। और पीछे इतना बड़ा काफिला है, इतनी बड़ी तादाद में ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, अपने अपनी बाइक्स पर आए हैं, यहाँ पर अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं आगे जो है बाकायदा तौर पर गाड़ी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जो है कि लोग मौजूद हैं जो कि कलर सैयदा की जानिब जा रहे हैं। और मेरा कैमरामैन नदीम आपको दिखा सकता है कि अभी हम बिल्कुल जो है इकरारुल हसन की जो गाड़ी है उनके बिल्कुल पास खड़े हैं, उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। और ये आगे बाकायदा तौर पर जो है पीर हक खतीब उर्फ शुभ शुभ वाली सरकार के मिलन नगमे जो हैं वो लगाए गए हैं। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है इकरारुल हसन की गाड़ी यहाँ पर रुकी है। और लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आगे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और ये फिर भी ये काफिला जो है, ये गाड़ियों का काफिला ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। और ये आप देख लें कि मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि बाइक्स ही बाइक्स हैं और मेरे बिल्कुल सामने भी यहाँ पर जो है वो बाइक्स ही बाइक्स हैं। एक तरफ देखा जाए ना सिर्फ एक रोड बल्कि अब दूसरे रोड पर भी जो है लोग मौजूद हैं। और लोग जो हैं आज हक खतीब के आस्ताने पर जा रहे हैं। और इकरारुल हसन की जानिब से ये दावा किया गया था कि वो तमाम तर हकायक जो हैं वो आज मंजरे आम पर लाएंगे, जिनमें सबसे बड़े हकायक ख्वातीन के साथ जंसी इस्तेहसाल करना है। कुछ ही देर के बाद कलर सैयदा में बाकायदा तौर पर दाखिल हो जाएंगे। और यहाँ से तकरीबन दो किलोमीटर का, तकरीबन दो से तीन किलोमीटर का फासला है। और इस काफिले में देख सकते हैं पहले इकरार भाई के आगे वो एक साउंड की गाड़ी है जहाँ पर जो है इकरारुल हसन के हवाले से और पीर खतीब के हवाले से जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। और साथ ही इकरार भाई की गाड़ी है, उसके पीछे दो और गाड़ियां हैं। और ये लोग देख लें, ये बड़ी तादाद देख लें। और इसके पीछे मेरे कैमरामैन नदीम आपको दिखा चुके हैं कि पहले ही इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है लोग आ चुके हैं।